हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरी भरी सब्जियों से भरपूर हरियाली खिचड़ी। इसे आप हेल्दी खिचड़ी भी कह सकते हैं। जिन्हें वेट लॉस करना है उन लोगों के लिए ये खिचड़ी काफ़ी फ़ायदेमंद है और ये खाने में काफ़ी टेस्टी है। जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ हरी वेजिटेबल्स लिए हैं जिन्हें हमने बारीक बारीक चॉप कर दिया है। यहाँ पर हमने गाजर ली है, थोड़ी सी मटर ली है और साथ में ली है फ्रेंच बीन्स, इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमने ली है पत्ता गोभी, पालक और वाइट वाली गोभी और साथ में लिया है एक बड़ा सा टमाटर। तो चलिए इस रेसिपी को हम जल्दी से बनाना शुरू कर लेते हैं। हरी भरी खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए स्प्राउट मूंग दाल, इसे हमने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था और इसे हमने कपड़े में बांध के 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया। और यहाँ पर हमने लिया है 2 कटोरी चावल, 1 कटोरी मूंग की दाल ली है। इन दोनों को हमने आपस में अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर हमने कुछ स्प्राउट लिए हैं, कुछ मूंग की दाल ली है और इन दोनों को हमने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इन्हें हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है। गैस को ऑन करके हमने यहाँ पर कुकर रख दिया है। जैसे ही कुकर गर्म हो इसमें हमने डाल दिया सरसों का तेल। आप चाहें तो यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, इन्हें हम गर्म तेल में डाल देते हैं। और यहाँ पर हमने खड़ी लाल मिर्च ली है और इसे भी हम तोड़कर डाल देते हैं और हल्का सा भून लेते हैं। जैसे ही हल्के से भून जाए तब इसमें हम डाल देंगे खड़ा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसमें हमने डाल दिए कटी हुई प्याज और गार्लिक के लीव्स और स्प्रिंग ऑनियन, दोनों को भी अच्छे से डाल देते हैं। मार्केट में अभी काफ़ी आ रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल करिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमने डाल दिया है पालक। पालक को डाल देने के बाद पालक को भी कुछ सेकंड के लिए हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है। अब इसमें हम डाल देते हैं फ्रेंच बीन्स। जब फ्रेंच बीन्स को भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, जब ये हल्की सी फ्राई हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई पत्ता गोभी, इसे भी हल्के से फ्राई कर लेते हैं। और गैस के फ्लेम को हमें हाई नहीं करना, लो मीडियम फ्लेम पर इन सारी सब्जियों को हमें फ्राई करना है। आलू डालने के बाद यहाँ पर हमने लिए मटर, मटर को भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। जब मटर अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई गाजर और फूलगोभी, इन दोनों को भी अच्छे से कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल सोया चंक्स यानी कि सोयाबीन की बड़ी, इसे हमने गर्म पानी में डाला, फिर निचोड़ कर 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें साबुत भी डाल सकते हैं। साथ में हमने डाल दिए स्प्राउट और इन्हें अच्छे से कुछ सेकंड के लिए मिक्स कर लेते हैं। कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ पर हमने लिया है नमक, टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा जैसा कि आप खाते हो डाल सकते हैं नमक। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं लो मीडियम फ्लेम पर। और इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए टमाटर, टमाटरों को भी अच्छे से भून लेते हैं यानी कि अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और इन्हें कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। जब 2 मिनट हो जाए तो हमारी जो सब्जियाँ हैं अच्छे से फ्राई हो गई हैं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे दाल और चावल जिसे हमने पहले से धोकर रखा हुआ है। दाल और चावल वाली खिचड़ी को हमने कुकर में डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। साथ में हमने डाल दिया इसमें पानी, जितना हमने दाल और चावल लिया था उसका डबल हमने यहाँ पर पानी लिया है। अगर 1.5 गिलास दाल और चावल हैं तो हमने 3 गिलास पानी लिया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं धनिया ताकि इसका जो फ्लेवर है पूरी खिचड़ी में अच्छे से आ जाए। और इसमें हम फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए डाल देते हैं शुद्ध देसी घी 1 छोटा चम्मच और कवर लगा देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकने देते हैं 2 सीटी आने तक। यहाँ पर हमारी जो खिचड़ी है पककर तैयार हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।